इस मॉड्यूल में हम सब फाइलम हैक्जोपोर्ट्स के अंदर वेंटिलेटिंग मैकेनिज्म्स इंसेक्ट्स के अंदर क्या है उसको डिस्कस करेंगे ज़्यादातर इंसेक्ट्स के अंदर वेंटिलेटिंग मैकेनिज्म यानी कि मूवमेंट ऑफ एयर इन टू एंड आउट ऑफ द ट्रेकियल सिस्टम दिस टेक्स प्लेस फॉर एग्जांपल जो फ्लाइट मसल्स जब कंट्रैक्ट करेंगे ऑल्टरनेटली ये कंप्रेस भी करेंगे एक्सपेंड भी करेंगे तो उस दौरान जो ट्रेकियल ट्रंक है ये लार्जर हो जाएगा और यहाँ पर वेंटिलेशन का प्रोसेस इंक्रीज हो जाए कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जिनके अंदर मेटाबॉलिकली जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है तो दैट इज़ नॉर्मली सिक्वेंसड इन द फॉर्म ऑफ बाई कार्बोनेट अब इसमें जैसे ही ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होगी ट्रेकिया के अंदर या बॉडी टिश्यूज में जाएगी तो उस वक्त ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिप्लेस नहीं होगी बल्कि उसके अंदर एक वैक्यूम क्रिएट होगा और उस वैक्यूम से अगेन ज़्यादा जो एयर है वो बाहर से बॉडी के अंदर एंटर होगी इस प्रोसेस को हम कह देते हैं पैसिव सक्शन अब पेडिकली जो सीक्वेंस्ड बाइकार्बोनेट आयंस थे अगेन वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ट्रेकियल सिस्टम से बाहर चली जाएगी दूसरे इंसेक्ट्स इनके अंदर जो एब्डोमन पे मसल्स हैं जिनको हम एब्डोमिनल मसल्स कहते हैं ये मसल्स भी कंट्रैक्ट करेंगे और इनके कंट्रैक्शन से भी एयर जो है दिस विल मूव इनटू एंड आउट ऑफ द ट्रेकियल सिस्टम दिस इज़ द

ये लेटरल ट्रेकियल ट्रंक्स हैं डॉर्सल ट्रेकियल ट्रंक्स हैं वेंट्रल ट्रेकियल ट्रंक्स हैं तो इसमें जो मैकेनिज्म है वेंटिलेटिंग मैकेनिज्म दैट टेक्स प्लेस थ्रू द इंस्पायरेशन एज वेल एज थ्रू द एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन से क्या होगा वैक्यूम क्रिएट होगा एयर जो है दिस विल एंटर थ्रू द थ्रेसिक्स स्पायरेकल और जब बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी दे विल मूव आउट द बॉडी थ्रू द एक्सपायरेशन तो इसमें अब देखें मसल्स की कंट्रेक्शन एबडामिनल मसल्स की कंट्रेक्शन रिलैक्सेशन दैट प्लेज आल्सो इंपॉर्टेंट रोल सिमिलरली जो एयर सैक्स हैं थोरेसिक एयर सैक्स दे विल अलाउ द एयर टू एंटर द बॉडी एबडामिनल सेक्स जो हैं दे विल अलाउ द एयर टू मूव आउट ऑफ द बॉडी So, this through this inspiration and expiration ventilating mechanism takes place in insects.